दोस्तों 8 नवंबर 2022 को साल का आखिरी चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। इस दौरान कुछ राशियां प्रभावित होंगी, जानिए उन राशियों के बारे में। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं वृषभ राशि के बारे में। वृषभ राशि के लिए चंद्र ग्रहण मिले जुले प्रभाव लाएगा। जहां इस राशि को धन के संकेत मिल रहे हैं, वहीं शिक्षा के लिए कुछ नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं। जिन लोगों ने प्रतियोगी परीक्षा में हिस्सा लिया है, उन्हें असफलता का सामना करना पड़ सकता है। आगे बात करते हैं मिथुन राशि की। तो दोस्तों मिथुन राशि के लिए चंद्र ग्रहण शुभ संकेत दे रहा है। आपको धन लाभ हो सकता है और रुका हुआ धन वापस मिलने के योग्य है। चंद्र ग्रहण के प्रभाव से आपको एक अच्छी नौकरी भी मिल सकती है या आपकी तरक्की हो सकती है। कर्क राशि के लिए साल का आखिरी चंद्र ग्रहण परेशानियों भरा हो सकता है। इस राशि के लोगों को चंद्र ग्रहण के प्रभाव से नौकरी में कुछ समस्याएं हो सकती हैं। कर्क राशि वाले इस चंद्र ग्रहण के प्रभाव से स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ सकते हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए चंद्र ग्रहण के प्रभाव से वैवाहिक और प्रेम संबंध मजबूत होने के संकेत मिल रहे हैं। किसी जगह शादी की बात चल रही है तो आपकी शादी जल्द हो सकती है। कन्या राशि के लोगों के लिए चंद्र ग्रहण मिले जुले प्रभाव देने वाला है। जहां इन लोगों को नौकरी में प्रमोशन मिलता है, वहीं परिवार के लोगों से मतभेद होने के संकेत भी मिल रहे हैं। एक शुभ संकेत के रूप में इस राशि वाले नया घर खरीद सकते हैं। तुला राशि के लोगों के लिए आर्थिक हानि होने के संकेत हैं। यदि आप ऐसा सोच समझकर नहीं खर्च करेंगे तो बड़ा नुकसान हो सकता है। वृश्चिक राशि वालों के लिए साल का आखिरी चंद्र ग्रहण शुभ माना जाता है। आपको संतान सुख मिलने के योग हैं या आपको संतान के लिए कोई अच्छी खबर मिल सकती है। आगे बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। दोस्तों मकर राशि वालों को चंद्र ग्रहण के प्रभाव से मान सम्मान में बढ़ोतरी हो सकती है। आप कोई नया वाहन खरीद सकते हैं और कोई नई जिम्मेदारी उठा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कुछ महत्वपूर्ण वीडियो। कृपया हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि भविष्य में हम आपको और भी की अच्छी से अच्छी वीडियो आसानी से भेज सकें। आपका मेरी इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।